हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से आपके सामने होगी और आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से कराया जाएगा और क्वेश्चनों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी आपके सामने। देखिए कितना ईजी, कितना सरल करके आपको हर मैथ का क्वेश्चन ईजी और आसान बना के दिया जाएगा, जिससे कि आपके कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बचेंगे, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बचेंगे। क्यों? रीजन ये है कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी एग्जाम में हर मैथ के क्वेश्चन में लगता है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा और उन सभी क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देगा ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, तो आप इसको सीख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, आप ध्यान रखना। तो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मैं हर क्वेश्चन बताऊंगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, तो बहुत इजी और आसान है और आपको बेस्ट बनाया जाएगा मैथ के अंदर। आपके लिए हम जबरदस्त मेहनत करेंगे और आपको मैथ इतना आसान करके दिया जाएगा बहुत ही, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो डिफिकल्टियां महसूस करता है वो केवल मैथ के अंदर ही करता है। मैंने अधिकतर आज तक यही सुना है अधिकतर बच्चों से कि सर मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता, लेकिन मैथ सेकेंडों का खेल है। बस आप इस कंसेप्ट को सीख लीजिए, हर बच्चे से मैथ आ जाएगा। अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है तो बस इस कॉन्सेप्ट को देखिए, सीखिए और हर क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दीजिए। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है तो हमसे कॉल कीजिए, देखते हैं क्यों नहीं मैथ आता, हम कराएंगे आपको मैथ, एक्सपर्ट बनाएंगे मैथ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज से रिलेटेड चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक शहर में 55% लोग टीवी समाचार देखते हैं। देखिए टीवी पर समाचार देखते हैं 55% लोग, 40% अखबार पढ़ते हैं। देखिए 95% हो गए, 55% समाचार और 40% अखबार, 25% न अखबार न ही टीवी देखते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 95% दोनों देख रहे हैं, जोड़ लीजिए इसको, 55 और 40, 95% व्यक्ति जो है दोनों तरह के चीज़ों को देखते हैं और यहाँ पर 25% ना अखबार ना ही टीवी देखते हैं। इसका मतलब 75% देखते हैं दोनों चीज़ों को। जब 25% नहीं देख रहे हैं तो 100% में से 25 घटाएंगे तो 75% देखते हैं दोनों को, तो 75% घटाएंगे यहाँ पर, एक्चुअल आ जाएगा, रियल में आ जाएगा दोनों चीजों को देखने वाले कितने परसेंट है। 95 में से 75 घटाएंगे, 20% दोनों को देखने वाले लोगों का परसेंट है 20%। देखिए एक साइड में अब हम परसेंट लिखेंगे, दूसरी साइड में संख्या लिखेंगे और हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल और फिनिश कर दिया जाएगा मैथ का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में बताया है कि 400 लोग दोनों देखते हैं, अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना दोनों तरह के चीजों को देखते हैं 400 लोग। तो शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, हमारा 20% आया है दोनों तरह का और यहाँ पर दोनों तरह के लोग होते हैं जो अखबार पढ़ना टीवी पर समाचार देखना, उनकी संख्या है 400। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, बस ये बनाना सीख लीजिए और आपका मैथ बिल्कुल आसान चुटकियों में फिनिश हो जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट करना सीख जाइए और ख़त्म क्वेश्चन। देखिए 20 से मैंने 400 को काटा 20 बार, ठीक है, और परसेंट की मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाई है ऐसे। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। ये है हमारा 20 से 20 बार और परसेंट की 2 जीरो, 2000। देखते हैं कहीं मिस्टेक है, शायद कोई क्वेश्चन में संख्या पर मिस्टेक है, उसको चेक करते हैं। ये है 55 40, हाँ 4000, यहाँ पर एक जीरो मिस हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है लिखने में, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही रहेगा, टैलेंट वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर एक जीरो मिस हो गई थी लिखने में। हो जाता है क्योंकि लिखते लिखते हाथ दुख जाता है, क्योंकि हर एक एक क्वेश्चन को लिखना पड़ता है आपके लिए, तो इसलिए ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक जीरो यहाँ पर लिखी जाएगी, ये 4000 है। देखो दोनों तरह के लोगों का जो परसेंट है वो दोबारा लिखते हैं अच्छी तरीके से, दोनों तरह के लोगों का जो परसेंट है वो 20% है और यहाँ पर उन लोगों की संख्या है 4000। ये रहा,
अब देखिए 20 से मैंने काटा इसको 200 बार, ठीक है। अब परसेंट की मैंने यहाँ पर 20 लगाई और ये हो गया हमारा आंसर। तो शहर की आबादी थी 20,000, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, हो जाता है कोई डिजिट मिस हो जाती है लिखने में, कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हाथ से लिखने में थोड़ा दिक्कतें आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। बट आपको क्वेश्चन सीखने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कत्ते ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बस सिंपल सा तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से फिनिश। और इस बात का ध्यान रखिए, दुनिया में बस दो ही तरीके से मैथ का सॉल्यूशन होता है, इसको और इसको सेट कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। अगर बाहर जाता है आप हमें बताइए, देखते हैं कैसे बाहर जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 से। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, मतलब पास परसेंट जिस कंडीशन बता उससे भी ज्यादा उसने अंक प्राप्त किया है, जो कि बता रहा है कि 67% अंक प्राप्त किए और पास होने से भी उसने 192 अंक लिए हुए हैं इसके अंदर। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, एक लड़का पास से भी ज्यादा अंक ला रहा है, एक लड़का फेल हो जाता है और पास होने से भी 48 अंक कम ला रहा है, तो पास से भी नीचे डाउन हो रहा है, एक लड़का पास से भी ज्यादा अंक ला रहा है। तो इन दोनों की कंडीशन को इक्वल टू इक्वल बना लीजिए। मींस कब हो सकते हैं ये दोनों इक्वल टू इक्वल, तब होंगे जब दोनों को केवल पास पास करेंगे। देखिए पास बराबर पास मैंने कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, ये रहा देखिए पास बराबर पास, एक साइड में संख्या में पास करेंगे, दूसरी साइड में परसेंट में हो जाएगा और इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखो 67% अंक प्राप्त किए पहले लड़के ने और पास से भी ज्यादा ला रखे है 192 अंक, तो इसके ये कम कर दीजिए, केवल पास की पोजीशन पर रख दीजिए इसको 192 में, तो ये हो गया लड़का पास। अब दूसरे लड़के ने बी ने 27% अंक प्राप्त किए हैं जो 48 अंकों से फेल है, तो इसको पास कर दीजिए 48 अंक देकर, तो ये हो गया पास, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब देखते हैं यहां से क्या कंडीशन बनती है, एक साइड में संख्या एक साइड में परसेंट, परसेंट इधर लाकर घटाएंगे, 67 में से 27 घटाएंगे 40%, और इधर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10, हासिल एक 5 9 5 14, हासिल एक इसमें जोड़ेंगे 240 हो जाता है। अब देखिए 40 ही कम 40, 1% हो गया 48 6 240, मीन्स हम कह सकते हैं 1% के बराबर होता है 6 अंक, 1% के बराबर होता है 6 अंक। हमसे पूछा क्या है, देखो इक्वल टू इक्वल लग गया, ये रहा इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, ये वाला कंसेप्ट लगा है। अब हमसे पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक कितने होने चाहिए। देखो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य, चाहे तो आप क्वेश्चन को इधर से कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइड में पास ही है। देखो 1% रिप्रेजेंट करता है 6 अंकों को, तो 27% कितने अंकों को रिप्रेजेंट करता है वो, और प्लस 48 जोड़ दीजिए, आपका पास उत्तीर्णांक आ जाएगा, जितने अंकों पर वह उत्तीर्ण होता है उन अंकों का मान हमें मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए 27 छिके देखते हैं, 6 7 42, देखो 1% की वैल्यू कितनी है 6, 27 की कितनी होगी, 1% बराबर 6 अंक है, 27% का कितना होगा 6 की गुणा करेंगे और प्लस 48 जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 27 गुणा 6 प्लस 48, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 7 42 4 6 2 12 4 16 प्लस 48, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 और 2 10, हासिल एक 6 4 10 11, हासिल एक एक जोड़ेंगे 2 210, ये आ गया 210। तो 210 पर वह उत्तीर्ण हो जाता है, तो यानी कि पास होने के लिए टोटल 210 अंक चाहिए थे। तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 210। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% व 20% तक बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी आयत का क्षेत्रफल पहले 100% था, यानी कि 100 था,
अब उसके लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 110 और चौड़ाई में 100 में इसके 20% को जोड़कर लिखेंगे 120/100। तो देखिए ये हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दी तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो देखते हैं 100 से कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। 100 से मैंने 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 और 12 की गुणा 132 हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 100 से कितना बढ़ गया, ये 32, तो इसका मतलब 32% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए बिल्कुल इजी और आसान, और यहां पर आप सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपको बताया जाएगा, बहुत ही सिंपल मेथड है सक्सेसिव मेथड। अब देखिए लंबाई में 10 की वृद्धि, चौड़ाई में 20 की वृद्धि, प्लस वृद्धि के लिए प्लस 10 और प्लस 20 और प्लस प्लस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 20 और 10 की गुणा करेंगे 20 दाम 200, बटे में 100% का चिन्ह। ये होता है सक्सेसिव मेथड, 100 दुनी 200 2। अब देखिए 20 10 30 और 2 32, डायरेक्ट ऐसे भी सक्सेसिव मेथड से पता लग जाता है कि कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 32% वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो देखो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक, और ये वाली टेक्निक मैंने बताया था इससे होती है, संख्या पर ही परसेंट चल रहा है, ये वाला कंसेप्ट लग गया है। तो देखो बहुत इजी और आसान तरीका आपके सामने होता है। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट भी आप इसी से शुरू करेंगे। एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर मैं तीनों की गुणा कर दूं तो उसका आयतन हो जाता है। आप जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वाला। तो उसका आयतन सबसे पहले जो था रियल आयतन 100% था, अब उसकी लंबाई 20% बढ़ गई, देखो 20% बढ़ गई, 120/100 करके ऐसे लिखेंगे। फिर उसकी चौड़ाई 30% बढ़ गई, 130/100, और फिर ऊंचाई 50% तक कम हो गई। जब कम हो गई तो 50% रह जाएगी, तो यहाँ से उसके आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। तो वह प्रभाव हमें बताना है कितने परसेंट का प्रभाव पड़ता है। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, और 50 दुनी 100, और 2 6 12 और 13 6 78। देखिए 78 रह गया ये, अब 100 था अब 78 रह गया, तो कितना परसेंट आयतन पर प्रभाव हुआ, यानी कम हो गया आयतन 100 से 78, तो 22% की कमी आ गई आयतन में। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 22%। लाजवाब टैलेंट आपके सामने, और आपको मैथ में महारत कराने का तरीका आप सीख गए हैं, और आप अब मैथ में कभी लाइफ में दिक्कत नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका, इसी से हम आपको पूरा मैथ, दुनिया का कोई भी बुक जो कंपटीशन लेवल की होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसी कंसेप्ट से होगा, फिनिश हो जाएगा। आप हमसे मिले, देखे क्यों नहीं होता, हम बताएंगे आपको 100% इसी से ही, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। CGL, SSC, CPO, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम अगर आपका आता है, बस सिर्फ इस एक ही मेथड से सब फिनिश हो जाएगा। आपको अलग अलग ट्रिक वगैरह, XY वगैरह या लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्वेश्चन वहीं पर ही फिनिश हो जाएगा। एक लाइन में सेट करते ही, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आते ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को और इन टेक्निकों को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये दो टेक्निक है, इक्वल टू इक्वल और संख्या पर ही रेशो या परसेंट चलेगा, इन दो मेथड को सीख लीजिए और आपका मैथ फिनिश खत्म हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जटिल और डिफिकल्ट कभी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन क्या बनता है, बहुत ही आसान बनेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बिल्कुल इजी और सिंपल, लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्वेश्चन को फिनिश किया जाएगा। देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, देखिए ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसको छोटा करेंगे, 5 25 125 24 100, देखिए छोटा हो गया, क्लियर हो गया, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये हो गया। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, देखिए बी की आय इस ए की आय से, इससे 5 से 1 कम है, और 1/5 मैंने बताया था
बीस पंजे सौ बीस एकम बीस, 20% कम है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20%। ये रहा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, लीजिए हो गया, बिल्कुल लीजिए और आसान, और ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चन फिनिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस लैंग्वेज बोलता है ऐसे कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पर भी वही तरीका है लैंग्वेज का ही। एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों तरह के खेलने वालों का परसेंट कितना हो गया? 100 हो गया, 40 ये, 60 ये, 100% हो गया दोनों तरह के खेल खेलने वालों का। और यहाँ पर दिया है 15% विद्यार्थी न फुटबॉल खेलते न ही क्रिकेट। जब 15% नहीं खेलते हैं तो 85% तो खेलते हैं, तो दोनों का 85% हो गया खेलने वाला। तो एक्चुअल रियल में दोनों खेल खेलने वालों का परसेंट हमें निकालना है, इसमें से ये घटा दीजिए। दोनों खेल खेलने वाले ये रहे, यहाँ पर भी दोनों खेल खेलने वाले हो गए, तो रियल और वास्तविक दोनों खेल खेलने वालों का परसेंट आ जाएगा। 100 में से 85 घटाएंगे, 15% आ गया दोनों खेल खेलने वालों का परसेंट, 15%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आ गया 15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए खत्म, कैसे आसान किए जा सकते हैं हर क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैथ तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैथ के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। देखिए बटे की जो वैल्यू है ये रेशो में, ये उसकी आय को रिप्रेजेंट करता है और ये दो जो है उसके खर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो उस व्यक्ति की आय 3 है, खर्च हो गया 2, तो बचत हो गई 1। अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया लैंग्वेज से। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी जाए, देखिए यहाँ पर 14% की वृद्धि कर दी जाए, 14 42.42, देखिए 3 का 14% होता है 0.42, तो 3 में 0.42 लिख दीजिए जोड़कर, 3.42 हो गई उसकी आय। देखिए उसकी नई आय हो गई वृद्धि होने पर 3.42, और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, 2 का 20%, 20 × 40.40। देखिए 0.40, इसका मतलब 2 में जोड़कर लिखेंगे 2.40, ये हो गई खर्च में वृद्धि। तो बचत कितनी रह जाती है, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 1.02, ये वाला बचता है, इसमें से इसको घटाएंगे 1.02, तो बचत हो गई 1.02। तो पहले से बचत कितना परसेंट बढ़ा है, देखिए 1 पर कितना परसेंट, 0.02, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए बिल्कुल इजी और आसान, 2 जीरो से 2.8 हट जाएगा, 1 × 2, तो 2% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, 2% की वृद्धि ऑप्शन ए। ये रहा बिल्कुल आसान और इजी, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान और इजी बनाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखो एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं, तो मेन इसका मतलब 30% है और वो मेन हो गई 70% महिलाएं, और सभी पुरुषों सहित कुल कर्मचारियों में से 85 को पदोन्नति मिली, यानी कि पुरुष और वोमेन, यानी कि मेन प्लस वोमेन 85 लोगों को पदोन्नति मिली। यदि 105 महिलाएं कर्मचारी है, देखिए 70% रिप्रेजेंट कर रहा है 105 महिलाओं को, तो यहाँ से जैसे यानी कि 70% इक्वल हो रहा है, 70% के बराबर हो गया 105 महिलाएं, परसेंट से 1 0 घटेगी 1, यहाँ पर 7 × 7 = 35 और ये 0, मीन्स यहाँ से मुझे पता लग गया पुरुष और महिलाएं दोनों मिलाकर टोटल कर्मचारियों की संख्या है 150, जिसमें 105 तो वोमेन है यानी कि 105 तो महिलाएं हैं और 45 मैन है यानी कि पुरुष, 45 पुरुष है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमसे पूछा है तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति हुई, यहाँ से निकाल लेंगे। पुरुष है 45,
तो महिला हो गई यहाँ पर 40, क्योंकि 40 और 45 हो जाता है 85, तो महिला 40 है, कितने में से 105 महिलाओं में से 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो इसे हल करेंगे, देखिए 5 दुनी 10, 5 एक हम 5 अठे 40, मीन्स हो गया 800/21, तो लगभग 38 पॉइंट कुछ आएगा। तो 38 पॉइंट कुछ आएगा तो हम कह सकते हैं 38% एक्यूरेसी में आएगा, 38%, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा क्वेश्चन का आंसर 38%। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या 14/2/7% बढ़ जाती है, तो 14/2/7% को लिखते हैं 1/7, ऐसे। अब इसने कहा 7 से 1 बढ़ गई, तो कैसे लिखेंगे, 7/1 बढ़ गई तो 8 हो गया, और उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए यदि सभी लोगों की दक्षता समान हो। तो यानी कि यहाँ पहले वाली कंडीशन पर ही आना चाहता है, तो उसे कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो 8/1 की कमी करनी पड़ेगी तब यहाँ आएगा वो, तो 8/1 की कमी, तो 1/8 हो जाएगा, और 1/8 को परसेंट में बोलते हैं 12.5%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही इजी और बहुत आसान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 30, शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। देखिए आय का 1/3, आय का 1/3 लिख लेंगे, आय का 1/3, 1/3 बचाती है, तो इसका मतलब बटे का मान अपना आय हो गई 3 और बचत हो गई 1, तो यहां पर हम लिख लेंगे आय, बचत और खर्च। बहुत आसान सिंपल तरीके से, आय 3 है, बचत 1 है, तो खर्च 2 है, देखिए बिल्कुल फिनिश। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है, ये वाली बढ़ जाती है x%, खर्च 15% बढ़ जाता है और बचत 21% बढ़ जाती है। अब देखिए हमें इसका पता लगाने के लिए इन पर वर्क करेंगे, बचत और खर्च पर। जैसे इसने कहा खर्च 15% बढ़ गया, इसका 15% हो गया 15 × 30, बस जितना बढ़ा लिख दीजिए, और बचत 21% हो गया इसका, 21% 21 तो 21% ये हो गया। अगर इन दोनों को जोड़े तो बचत आय में जो है उसकी आय में परसेंट वृद्धि का मालूम हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़े तो, जोड़ लिया और बटे कितना होगा टोटल, 2 और 1 3, दोनों को जोड़ेंगे आय, 3 पर आय में परसेंट वृद्धि एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, तो कितना हो गया 30 और 21 51% बटे में 3, तो 3 से 51 को काटेंगे 17%, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बहुत अच्छा और सिंपल और सुपर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम, डी ए से 20% कम, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहां पर 4 बंदे दिए गए हैं, ए बी सी व डी। अब इन्हें लिखेंगे, ए बी से 30% अधिक, बी सी से 20% कम और डी ए से, तो यहां से लिखेंगे इसको, क्योंकि ए का बी से रिलेशन, फिर ए का डी से भी रिलेशन है, तो यहां से लिखेंगे बी सी से 20% कम है, तो सी को 100 लेंगे और 20% कम है तो ये 80 है। ए बी से 30% अधिक है तो 80 का 30% 13/8 = 104 हो जाएगा, और डी ए से 20% कम है तो डी ए से 20% कम है, यानी कि ए का 80% है, 104 का 80% हो 4/5, ये डी का मान आ जाएगा, 5 × 10 = 0.5 × 8 = 40, 4 × 8 = 32 = 3, 20 × 80 = 3, 83, ये डी का मान आ गया 83.2। ये
अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। बी डी से 4% कम है, बी डी से 4% कम है, देखिए 4 नहीं होगा, और सी ए से 4% कम है, सी ए से 4% कम भी नहीं है क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग कंपेयर होती है, और डी बी से 4% अधिक है। देखिए डी अधिक है बी से, बी एस सी है तो यहाँ पर ये 3.2 अधिक है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखेंगे क्या ये पॉइंट सही है, 1.10 तो 32/8, तो 8 × 32 4% अधिक है। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि डी बी से 4% अधिक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर, कितना हो गया 40 और 20 60, तो 62% 62% खर्च कर दिया उसने, शेष रह गया 38% शेष रह गया, और इस शेष का 50% आधा यानी कि आधा हो गया 19% शिक्षा व और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है, कितना शिक्षा व अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है ये, और कितना रह गया शेष 19% शेष रह जाता है, और यदि मासिक बचत उसकी बचत कितनी शेष रहेगी 3800 रुपये शेष बचत है, तो बचत बराबर बचत हो गया इक्वल टू इक्वल, बचत बराबर बचत ये वाला कंसेप्ट लगेगा, बचत बराबर बचत। तो शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च क्या है, तो शिक्षा अन्य प्रमुखों पर खर्च 19% है, इसका 19% निकाल देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए 19% से 19% कट गया, आंसर आ गया 3800 रुपया। तो देखिए बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन बन गया है, 3800 रुपया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके से कराया जाएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी बनाया जाएगा, तो हमारी वीडियो को देखते रहिए जिससे कि आपके यूपी पुलिस 2004 जो री एग्जाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हमारे ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आपके हल होंगे, सिर्फ इस एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कुछ भी अलग से मत सीखो, बस इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, इसी से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निश्चित है, जो भी टोटल लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे सब फिनिश हो जाएंगे। थैंक यू, वेलकम।